All right, in this video we are going to discuss, it's your AdMaths O-Levels, course code is 4037, it's November, paper variant 2-3, so let's start. Question number 1, solve the inequality, 3x minus 2 is equals to, जब साइन हटेगा इनइक्वालिटी का तो आपके पास दोनों साइड पर प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, 4 प्लस x, अब एक दफ़ा हम प्लस को लेके सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस को लेके, जब प्लस को लेके किया तो साइन तो सेम रहेंगे, जब माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो दोनों के साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, तो एक आंसर तो आ गया x का आपके पास 3, और दूसरा आंसर क्या आएगा, x वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस x, इट्स 4x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2, इट्स माइनस 2। ऑल राइट, तो x का आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, ये आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशन हैं, अब आप किसको बनाओगे सब्जेक्ट, अगर आप x को बनाओगे सब्जेक्ट यहाँ से तो आपको दो दफ़ा x को प्लेस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर y को बनाऊंगा सब्जेक्ट ताकि मुझे प्लेस एक दफ़ा करना पड़े। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x एंड y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इट्स x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 4, y की जगह क्या आएगा, 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5, सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 4 12, x माइनस 3 2 6, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर हम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x स्क्वायर, 12x अपनी जगह 5 जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हो जाएगा, x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो हम x स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे, सबको शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपकी मिडिल टर्म, दो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 20 आए और जिनको प्लस माइनस करो तो आपके पास 12 आए, तो वो दो नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं 10x और 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, बचा क्या x माइनस 10, माइनस 2 कॉमन आया, क्या बचा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट ओवर क्या बचेगा आपके पास x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x के आपके पास दो आंसर्स, x इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 2, इन दोनों आंसर्स को हम कहाँ प्लेस करेंगे, हमारी पास जो इक्वेशन है y की यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5, तो जब आपके पास x की वैल्यू 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 टेन्स आर 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 माइनस 20 इट्स माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास y का एक आंसर आ रहा है, दूसरा आंसर क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5, x की जगह दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है 2, तो 4 माइनस 4 इट विल बी 0, तो एक y आ रहा है 0 और एक y आ रहा है मेरे पास माइनस 16 अपॉन 5, तो आंसर्स क्या आएंगे, जब x मेरे पास 10 था तो y मेरे पास माइनस 16 अपॉन 5 आया, और जब x मेरे पास 2 आया तो y मेरे पास 0, ये आपके फाइनल आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, आपके पास यहाँ पर कंडीशन क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपकी कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है, अब आपकी इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, a इज 1, b क्या है, जो x का कोफिशियंट है दैट इज k प्लस 9, और c आपके पास क्या है, इट्स 9, फार्मूला अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b की जगह कौन आएगा, k प्लस 9, तो k प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 4a इज 1, c इज 9 ग्रेटर देन 0, आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे, k स्क्वायर प्लस 2 9 18k प्लस 81, ये आपकी आइडेंटिटी एक्सपेंड हुई है, कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर एक्सपेंड कर दी, ठीक है, आगे माइनस 4 9 36 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर प्लस 18k प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 81 माइनस 36 इट्स 45 इज इक्वल्स ग्रेटर देन 0, यहाँ भी आपकी मिडिल टर्म होगी, दो नंबर आपके कौन से हैं, 15 और 3, k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 3k प्लस 45 ग्रेटर देन 0,
कॉमन ले लेते हैं k, बचेगा क्या, k प्लस 15 कॉमन ले लेते हैं हम लोग 3, क्या लेफ्ट ओवर हुआ, k प्लस 15 ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, अभी भी आपके पास कॉमन आ रहा है k प्लस 15, अब बचेगा क्या आपके पास, k प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, अब आपको वैल्यूज बतानी है k की। अगर मैं इसको रफली स्केच करूँ तो मेरे पास k की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, एक आएगी माइनस 15 जब आप इक्वेट करेंगे 0 से, और एक आएगी माइनस 3। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं k की, एक माइनस 3 आ रही है और एक माइनस 15। ठीक है बेटा, अब मेरा कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, सही है। आपको कहाँ जाना है, आप फोकस कर रहे हो यहाँ पर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, हमें आउटसाइड द कर्व जाना है, मतलब कर्व से बाहर की वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज चाहिए कर्व से बाहर। इन कर्व से बाहर की वैल्यूज के लिए आपको माइनस 15 से छोटी वैल्यूज चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि के शुड बी लेसर देन माइनस 15 और माइनस 3 से मुझे बड़ी वैल्यूज चाहिए, मुझे कर्व से बाहर जाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा के शुड बी ग्रेटर देन माइनस 3। ये आपके पास के की वैल्यूज के आंसर हैं। अगर ये ग्रेटर देन है मतलब आउटसाइड द कर्व, अगर लेसर देन होता तो इनसाइड द कर्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज गिवन दैट वाई इक्वल्स टू एल एन 1 प्लस साइन एक्स फॉर 0 एक्स एंड पाई, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ऑलराइट, सो डी वाई ओवर डी एक्स एलन का क्या होता है कि जो कुछ एलन के साथ लिखा है उसको आपने वन अपॉन की फॉर्म में लिखा, ठीक है, और जिसको आपने लिखा है उसको डेरिवेट कर दें। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स। ये इसका आंसर। पार्ट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू पाई ओवर 6। और डी वाई बाई डी एक्स तो आप निकाल चुके हो, आपने एक्स की जगह पाई ओवर 6 प्लेस करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स की जगह पाई ओवर 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई ओवर 6। अब क्योंकि आपने आंसर इस फॉर्म में देना है तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, डेसिमल में लेकर नहीं आएंगे। कॉस पाई ओवर 6 का मतलब होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन का मतलब हुआ 1 अपॉन 2। ऑलराइट, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, यहाँ पर आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा आपके पास, अब बचा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। कीप इन माइंड कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो है रूट साइन होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा रूट 3 और रूट 3 से। जब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो रूट थ्री न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 अंडर रूट 3। ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट ओवर क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये आपका आंसर। पार्ट सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10x। मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 10। किसके बराबर होता है, 10 बराबर होता है हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के। ऑलराइट, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स। ऑलराइट, नाउ इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे पास एक इक्वेशन में एक ही फंक्शन होना चाहिए, तो साइन हो या फिर कॉस हो, तो मैं कॉस को ब्रेक कर दूंगा, कॉस बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को शिफ्ट कर दिया आपने तो यह आ रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इट विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपनी जगह और प्लस 1 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई मिडिल टर्म, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो सपोज कर लो, हम ये कह देते हैं कि साइन एक्स हमारे पास बराबर है वाई ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी सपोज कर लो, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब 0 इज इक्वल्स टू 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म तो माइनस 2 और 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आएगा 2 वाई, लेफ्ट ओवर क्या हुआ, वाई प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अगेन कॉमन आ गया मेरे पास, y प्लस 1 लेफ्ट ओवर इज 2 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y का एक आंसर क्या आया, माइनस 1, और y का एक आंसर आ गया आपके पास 1 अपॉन 2। ये आपके फाइनल आंसर्स नहीं है क्योंकि आपने तो यहाँ पर सपोजिशन की हुई है, तो आपने अब इस सपोजिशन में वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है। तो साइन एक्स हमने सपोज किया था बराबर है वाई के, तो जब वाई मेरे पास माइनस वन है, ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू
नेगेटिव वन। अगर हम क्वाड्रेंट को बनाएं यहाँ पर तो साइन हमारे पास नेगेटिव वन है, मतलब ये या तो हमारे पास थर्ड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। जो आपको रेंज क्वेश्चन में गिवन है वो आपको गिवन है फ्रॉम जीरो टिल पाई। ऑलराइट, हमें पता है कि ये हमारा जीरो है, ये हमारा पाई है, सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस वन। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू। यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव है, ऑलराइट, दैट मीन्स साइन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, या तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है या हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू। मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में हो, ठीक है बेटा। साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू इज 30, दैट मीन्स पाई ओवर 6 रेडियन। सो ये आपका अल्फा आ गया, दिस वन अल्फा एंड दिस वन। अगर आपको यहाँ पर थीटा फाइंड करना है तो वो थीटा हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल क्या होगा मेरे पास। सो थीटा इज इक्वल्स टू, एक तो पाई बाय 6 आ गया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दूसरा आएगा पाई माइनस पाई ओवर 6। द फाइनल वैल्यूज फॉर थीटा, इट्स पाई ओवर 6 फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 5 पाई ओवर 6 जो हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया होगा। ये हमारे दो फाइनल आंसर्स। इट्स क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, 3 टू द पावर x टाइम्स 9 टू द पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू 243। मुझे हर तरफ बेसिम करनी है तो ये हो जाएगा 3 पावर x, 9 क्या होता है, 9 इज 3 की पावर 2 होल पावर y माइनस 1 एज इट इज। 243 कौन सी पावर है 3 का, अभी देख लेते हैं। 243 टू द पावर 5, यस 3 टू द पावर 5 इज 243। अब पावर को जरा सॉल्व कर दें, 3 पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 5। सारी बेसिस हमारे पास सेम है, मतलब अब हम पावर्स को इक्वेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 y माइनस 2 इक्वल्स टू 5 और वी गॉट x प्लस 2 y इक्वल्स टू 7। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। जैसे मैंने फर्स्ट को सॉल्व किया ऐसे अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। ये बना 8 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 2। 8 क्या हुआ आपके पास, 8 आपके पास हो गया 2 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाई विद 2 टू द पावर y माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 4। क्या होता है, 4 होता है 2 की पावर 2 और 2 का रूट क्या होता है, 2 का रूट होता है हमारे पास 2 टू द पावर 1 अपॉन 2। ऑलराइट, अब आपके पास ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 प्लस y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2x प्लस 1 तो ऊपर लिखा हुआ था। जब ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा सो दैट विल बी माइनस 2, इसी तरह जब ये नीचे वाला 1 अपॉन 2 ऊपर जाएगा दैट विल बी माइनस 1 अपॉन 2। अब मेरे पास दोनों साइड पर 2 और 2 हो गया सो आई कैन इक्वेट द पावर्स, सो नाउ इट विल बी 3 प्लस y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इजीली, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 2x को और y को शिफ्ट कर देते हैं तो ये आएगा 2x माइनस 5। सारे नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 जब लेफ्ट पर आएगा इट विल बी पॉजिटिव 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव 1 अपॉन 2, ठीक है ना। ये माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 एज इट इज। अच्छा वहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस 2 इट्स माइनस 1, राइट, माइनस 1 जब शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पर सो दैट विल बी प्लस 1। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 इट्स 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस y, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, तो मैं क्या करूंगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। जो मेरी इक्वेशन 1 थी जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगी, ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14 एंड इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज रहेगी, दैट विल बी 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा 4y प्लस y इट्स 5y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास y का आंसर आ गया। अब आप किसी भी इक्वेशन को यूज करके x निकाल लें, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहा हूँ। सो इक्वेशन नंबर 1 इट्स x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 and you got x plus 2, y is 2 is equals to 7, x plus 4 is equals to 7 and x is equals to 3,
ये आपके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द टॉपिक परम्यूटेशन। अ फोर डिजिट कोड इज टू बी फॉर्म यूजिंग फोर डिफरेंट नंबर्स सिलेक्टेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कोड्स कैन बी फॉर्म इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। राइट, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको चार डिजिट चाहिए, फोर डिफरेंट, अच्छा कोई भी चार नंबर आ जाए इनमें से, नौ में से, तो पहले का आंसर वेरी सिंपल, इट्स 9P4। राइट, एंड 9P4 इज इक्वल्स टू 9P4, इट्स 3024। पहले का आंसर 3024। अच्छा मेक श्योर कि अपना आंसर आप ये दे करेंगे, 9P4 लिख के मत आ जाएगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। पहले का आंसर 9P4। दूसरा, ओनली प्राइम नंबर्स आर यूज। अब प्राइम नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं? इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5 एंड इट कैन बी 7। तो मेरे पास ये चार नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, चार नंबर किसी तरह भी आ सकते हैं। तो दैट विल बी 4 factorial इज इक्वल्स टू 24। याद रखिएगा यहाँ पर आप 9P4 नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि 9 में से कोई 4 आ जाए, हमें सिर्फ इन 4 से कोड्स बनाने, तो हमारा आंसर 24 आ जाएगा। नेक्स्ट वन, टू इवन नंबर्स आर फॉलोड बाय टू ऑड नंबर्स। ऑलराइट, दो इवन नंबर्स फॉलो करें दो ऑड नंबर्स को, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये लिखेंगे हमारे पास इवन कितने हैं और हमारे पास ऑड कितने हैं। ऑलराइट, अगर हम इवन की बात करें तो 2, 4, 6, 8, आपके पास 4 इवन हैं। हम अगर ऑड की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, तो हमारे पास 5 जो हैं वो ऑड हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है टू इवन नंबर्स फॉलोड बाय टू ऑड नंबर्स। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर्स आएंगे, दैट मीन्स हम इन दो पे अगर ऑड नंबर लेकर आएंगे तो दैट विल बी 5 परम्यूटेशन टू, दो ऑड आ गए 5 में से। और अगर हम इवन लेकर आएंगे तो इवन हमारे पास है 4, तो ये आएगा 4P2। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 5P2 मल्टीप्लाई बाय 4P2 इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 240। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, द कोड फॉर्म्स एन इवन नंबर। आ जाए भाई, कोड हमेशा इवन नंबर बनाएगा, ठीक है। इवन नंबर की पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4 की, तो कोड आ गया। इवन नंबर हम हाईलाइट कर चुके हैं कि हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एंड डिजिट में उन चार में से कोई एक नंबर आ सकता है, ठीक है ना, इवन नंबर के लिए। अच्छा, उन चार में से एक आ गया, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास 9 है। अब कितने बच गए, अब आपके पास बचे 8, तो उन 8 में से यहाँ पर कोई भी 3 आ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी 8P3 टाइम्स 4P1 इज इक्वल्स टू 1344। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ कर्व हैज अ इक्वेशन y इक्वल्स टू x cos x, फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पर आपने अप्लाई करना होगा u इंटू v का डेरिवेटिव। फार्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, फार्मूला सेज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब आपको u और v असाइन करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि हमारे पास x जो है वो u है, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा, 1। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास v है cos x, तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। निकाल लिया, अब फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं। सो जब हम डेरिवेट करेंगे dy ऑफ dx ऑफ y cos x, सॉरी नॉट y, इट्स x cos x, dy dx ऑफ x cos x इज इक्वल्स टू, यू क्या आया आपके पास, u इज x, डेरिवेटिव ऑफ v इट्स माइनस साइन x, प्लस v इज व्हाट, v इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ u इज 1। तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, माइनस x साइन x प्लस cos x। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। फॉर द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू पाई, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c। ऑलराइट, यहाँ पर मेन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। हम बात स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट से। अब ग्रेडियंट होता क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट होता है dy अपॉन dx, जो कि हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, दैट इज माइनस x साइन x प्लस cos x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी हुई है, दैट इज पाई। ऑलराइट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मेक श्योर कि इस क्वेश्चन में आपका कैलकुलेटर जो होगा वो रेडियन मोड पर होना चाहिए। अब आप सिंपली जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप पाई प्लेस कर दोगे, सो माइनस पाई साइन पाई प्लस cos पाई। साइन पाई और कॉस पाई की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। सो साइन पाई इज 0 प्लस कॉस पाई, कॉस पाई मीन्स कॉस 180, दैट इज नेगेटिव 1। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच रिप्रेजेंट्स ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1। अब नॉर्मल के लिए क्या होगा, कीप इन माइंड हमारे पास नॉर्मल की कंडीशन होती है, एंड विच इज m1 टाइम्स m2 इक्वल्स टू नेगेटिव 1।
ये वैल्यू जब ये आपने अप्लाई किया m1 टाइम्स m2 इक्वल्स टू नेगेटिव 1, तो m1 तो हमारे पास नेगेटिव 1 आ चुका था, m2 हम ढूंढ रहे थे, सो m2 इज इक्वल्स टू 1, ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट। अब हमारे पास इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें y चाहिए, y के लिए हम क्या करेंगे, हम x की इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू x cos x, और x की जगह क्या आने वाला है, अब x की जगह पाई आने वाला है, सो y इज इक्वल्स टू पाई एंड cos पाई, cos पाई नेगेटिव 1 होता है, सो दैट इज माइनस पाई, ये आपका y1 आ गया। इक्वेशन अप्लाई करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, वैल्यू प्लेस करें, y1 आ चुका है, दैट इज माइनस पाई m1 है, x माइनस पाई, सिंप्लीफाई किया, y प्लस पाई इज इक्वल्स टू x माइनस पाई, अब आपने इस पाई को शिफ्ट करना है, सो y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई x माइनस टू पाई इज इक्वल्स टू y, और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यूजिंग योर आंसर टू पार्ट ए, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई ओवर 6 x sin x dx। अच्छा, हम ये सब चीज़ें पार्ट वन में कर चुके हैं कि हमें y दिया हुआ था, हमने डेरिवेटिव dx निकाल लिया। ये क्यों लिखा है मैंने, कीप इन माइंड कि हम इस फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, यहाँ पर जो प्रोसेस हम अप्लाई करने वाले हैं दैट इज रिवर्स इंटीग्रेशन। अब ये रिवर्स इंटीग्रेशन क्या होती है, देखें गौर से सुनिएगा, एक फंक्शन था y, उसको मैंने डेरिवेट किया तो ये आ गया, मतलब जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो दोबारा यही बन जाएगा, मैं लिख के दिखा रहा हूँ उसको। हमारे पास क्या है, हमारे पास है dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, राइट। जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर y आ जाएगा, मैं यही करने वाला हूँ, आई नीड टू अप्लाई साइन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, जहाँ भी अप्लाई किया जहाँ भी अप्लाई किया, लेफ्ट साइड पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेट कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास y, राइट साइड पर इंटीग्रल दोनों के साथ अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स एंड माइनस एक्स साइन एक्स। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो हमें मिल चुकी है, ऑलराइट। अब मैं इसको जो मुझे फाइंड करना है इसको मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट, तो चूंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है मैं शिफ्ट कर दूंगा इसको लेफ्ट साइड पर, ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पर, तो क्या बना मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई। कॉस एक्स का इंटीग्रल मुझे पता है क्या होता है, इट इज साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, माइनस वाई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स कॉस एक्स, और इस पूरे पर मेरी लिमिट अप्लाई हो रही है, दैट इज फ्रॉम जीरो टू पाई ओवर सिक्स, ऑलराइट। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई होगा, दैट इज साइन, अपर लिमिट इज पाई ओवर सिक्स माइनस पाई ओवर सिक्स कॉस पाई ओवर सिक्स, अपर लिमिट अप्लाई कर दी, साइन हमेशा बीच में नेगेटिव आता है, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज साइन जीरो माइनस, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब साइन पाई ओवर सिक्स, पाई ओवर सिक्स को मेक श्योर कि आप रेडियन मोड यूज करोगे अब, ठीक है, पाई ओवर सिक्स मतलब साइन थर्टी, राइट, सो दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू माइनस पाई ओवर सिक्स एज इट इज, थर्टी एंड कॉस दैट इज इक्वल्स टू 0.866 और अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। आपको क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो इसका मतलब होता है नो कैलकुलेटर। अब आपने यहाँ पर कैलकुलेटर यूज नहीं करना, इसलिए मैंने अपनी वैल्यू को डेसिमल में लेकर नहीं आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई किया आपने तो यह आ रहेगा 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 2 12 एंड इट विल बी पाई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की ऐसे ज़रूरत नहीं होगी, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x cos x, इंटीग्रेट निकाल लिया हमने इसका, ठीक है, और यही इसका आंसर है मेरे पास, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 6। क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, डू नॉट यूज द कैलकुलेटर, शो दैट एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू इक्वेशंस, लॉग 2 ऑफ वाई प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 लॉग 2x एंड लॉग 2 ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस लॉग 2y। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इक्वेशन है लॉग 2 ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 लॉग 2x। अच्छी बात क्या है क्वेश्चन में, अच्छी बात यह है कि आपके पास दोनों तरफ लॉग की बेसिस सेम है, तो जो सेम बेस लॉग है उनको मैं एक साइड पे ले आता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ लॉग 2 ऑफ y प्लस 1 प्लस
कि 2 को अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लॉग 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास प्लस हो इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग 2 ऑफ वाई प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अब हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में। क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास लिखा हुआ होता है लॉग ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स बराबर है ए पावर बी के। यही सिनेरियो आपके पास है, आपके पास ए की जगह 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके पास बी की जगह 3 लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में, तो मेरे पास क्या बचेगा, वाई प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए 2 टू द पावर क्यू। राइट, तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। इसी तरह मैं सेकेंड इक्वेशन को पिक करूंगा, तो ये आएगा लॉग 2 ऑफ एक्स प्लस 2, ये लॉग 2 वाई ऐड हो रहा है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग 2 ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। वही काम करेंगे, माइनस का मतलब डिवीजन हो रहा होगा, तो लॉग 2 ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 2। कन्वर्ट किया लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, एंड यू गॉट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स y। आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, जो चीज आपको प्रूफ करनी है क्या आपको उसमें y नजर आ रहा है, सो द आंसर इज नो। इसका मतलब है मुझे y की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर बनाऊंगा y को सब्जेक्ट। ये बनेगा मेरे पास x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू y, और इसको मैं प्लेस करूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज x स्क्वायर टाइम्स y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। और y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बना एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2, अगर मैं एलसीएम लूंगा दैट विल बी 4, ये आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। अब आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस 6, ये 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट विल बी 32। क्या बना आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 32 आ जाएगा, तो माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया जो आपको शो करना था। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 0। एट फर्स्ट हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 2। अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 6 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 32 इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 24 माइनस 32 इक्वल टू 0, तो 8 प्लस 24 32 होता है, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन्स के जीरो वैल्यू मेरे पास है, ये इसका फैक्टर है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। क्या होती है हमारे पास, टेबल बन गया, पहली कोफिशेंट आएगा एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या है, दैट इज 1। एक्स स्क्वायर क्या है, 6, एक्स नहीं है तो उसकी जगह 0 आएगा, एंड देन नेगेटिव 32। ये मेरे पास सिंथेटिक डिवीजन है, जो रूट आपने निकाला था इट्स 2। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, जो पहला नंबर है वो तो एज इट इज आ जाएगा, सो दैट विल बी 1। अब आपका 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, जो 2 वन आर 2। ऑल राइट, 6 प्लस 2 इट्स 8, आफ्टर दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट विल बी 16। ऑल राइट, 0 प्लस 16, उसके बाद 2 टाइम्स 16 इट्स 32, 32 माइनस 32 इट विल बी 0। तो अब जो आपकी इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएगी, ये स्क्वायर का कोफिशियंट है, ये एक्स का और ये कांस्टेंट का। तो अब मेरी इक्वेशन आ गई, 1 इज एक्स स्क्वायर, 8 इज एक्स, एंड 16 इज 16 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन हम सब मिडिल टर्म आराम से कर सकते हैं, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, टेकिंग कॉमन एक्स, एक्स प्लस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो यू गॉट टू ब्रैकेट्स एज वेल, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सो यू गॉट द वैल्यू x दैट इज नेगेटिव 4। ऑलराइट, क्या क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, दो वैल्यूज तो यहाँ पर आई, x इक्वल्स टू नेगेटिव 4, नेगेटिव 4, और एक वैल्यू हमारे पास 2, जो कि फैक्टर मौजूद था ऑलरेडी 2। तो ये आपके पास तीन वैल्यूज आई हैं x की, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वन,
गिव अ रीजन वाई ओनली वन रूट इज वैलिड सॉल्यूशन ऑफ द लॉग इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू दिस रूट. अब ये आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई, ठीक है ना. मैं पहले बताऊंगा गिव अ रीजन वाई ओनली वन रूट इज वैलिड. अब अगर मैं यहाँ पर x की जगह नेगेटिव 4 प्लेस करूँ तो नेगेटिव 4 के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, ये आ जाएगा log 2 ऑफ माइनस फोर प्लस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये जो मेरा सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा. दैट इज़ वाई नेगेटिव 4 मेरी कोई वैल्यू सस्टेन नहीं करेगी ये इक्वेशन. तो मेरे पास खाली एक ही इक्वेशन बच रही है, इट्स पॉजिटिव 2. ऑलराइट, नेगेटिव पे मेरा आंसर अनडिफाइंड हो रहा है. जब मेरे पास x की वैल्यू 2 है तब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, एट x इज इक्वल्स टू 2. मुझे y निकालना है, ठीक है जी. तो ये हो जाएगा log 2 ऑफ 2 प्लस 2 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस log 2 ऑफ y. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. log 2 ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस log 2 ऑफ y. 2 वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस log 2 ऑफ y. 2 माइनस 2 0 इज इक्वल्स टू log 2 ऑफ y. अब अगर कन्वर्ट करते हैं log फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में तो ये 2 इधर आ जाएगा. सो दैट विल बी 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू y एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. द रेक्टेंगल ABCDE रिप्रेजेंट्स अ प्लफ फील्ड वेयर AB इज इक्वल टू 300 मीटर्स, AE इज इक्वल टू 400 मीटर. जोसेफ नीड्स टू वॉक फ्रॉम A टू D, ऑलराइट, इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम. ही कैन वॉक एट 0.9 मीटर पर सेकेंड ऑन द प्लफ फील्ड एंड एट 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन एनी पार्ट ऑफ द पार्ट पाथ BCD अलॉन्ग द एज ऑफ द फील्ड. ही वॉक्स फ्रॉम A टू C एंड देन फ्रॉम C टू D. द डिस्टेंस B एंड C इज X मीटर्स. फाइंड इन टर्म्स ऑफ X द टोटल टाइम जोसेफ टेक्स फॉर दिस जर्नी. सबसे पहले वो कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, वो A से लेके C जा रहा है. ऑलराइट, नाउ इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्योंकि राइट एंगल बन रहा है, सारे एंगल्स हमारे पास 90 के होते हैं. तो अगर मुझे A से लेके C तक की लेंथ निकालनी हो, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ X आएगा, तो मैं पैथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ. सो फॉर AC आई कैन से दैट इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो 300 मीन्स दैट इट इज 9 1 2 3 4 प्लस x स्क्वायर. ये आपके पास आ गया AC का डिस्टेंस. ऑलराइट, इसी तरह अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस ऑफ CD क्या आएगा, दैट इज वेरी सिंपल. ये पूरा मेरे पास कितना है, 400 है. ये वाला पार्ट x है, मैं सिंपली माइनस कर दूंगा. ये आ जाएगा 400 माइनस x. आपको निकालना है यहाँ पे टाइम. वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जनरल फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. दोनों के डिस्टेंस तो मेरे पास आ चुके हैं, मुझे डिवाइड करना है स्पीड से, ठीक है. तो AC का टाइम क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ AC हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज वॉट 9 1 2 3 4 प्लस एक्स स्क्वायर विद द रूट साइन डिवाइडेड बाय. जब वो A से लेके C जा रहा होगा तो जो उसकी स्पीड है दैट इज 0.9. तो आपने इसको डिवाइड किया 0.9 से. और जो टाइम CD का लग रहा होगा, डिस्टेंस क्या है, 400 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो आपको स्पीड दी है दैट इज 1.5. तो ये आ गया 1.5. अब मैं आपसे कहूँ भाई टोटल टाइम क्या होगा. टोटल टाइम का मतलब क्या होता है, सिंपली आपने दोनों को ऐड करना है. जब मैंने दोनों को ऐड किया सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 9 1 2 3 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.9 प्लस 400 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1.5. ये आपका आंसर. इन नेक्स्ट पार्ट, गिवन दैट एक्स कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टी इज अ मिनिमम एंड हेंस फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी. ऑलराइट, ये जो वेरी वाला सवाल होता है ना, दैट मीन्स कि अब आपको यहाँ पे डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है जी. मुझे टी को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज 9 1 2 3 4 प्लस एक्स स्क्वायर. अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 डिवाइड बाई 0.9 प्लस 400 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1.5. ऑलराइट, अब इसको हम डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं. तो मेरे पास डी टी ओवर डी एक्स क्या आएगा. डेरिवेट का रूल क्या होता है, पहले आपने पावर लिखनी है, दोनों को सेपरेट डेरिवेट कर रहा हूँ, ठीक है. पहले पावर लिखी, फिर पावर में से 1 माइनस किया. सो इट्स 90,000 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1, इट्स माइनस 1/2. उसके बाद क्या आएगा भाई, पहले पावर आई, फिर पावर में से 1 माइनस हुआ. अब जिस फंक्शन पे पावर है उसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, इट विल बी 2x, राइट, एंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर विच इज इक्वल्स टू 0.9 एज प्रेजेंट बिफोर प्लस
400 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई 1.5 एज इट इज। ऑलराइट, ये आपने डेरिवेट कर दिया। अब आपको कहा है मिनिमम ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स को हम जीरो इक्वेट करेंगे टू फाइंड आउट द स्टेशनरी पॉइंट्स। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं, टू से टू कैंसिल हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय 0.9 टाइम्स, जब ये पावर नेगेटिव टू नीचे रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं 90,000 प्लस एक्स स्क्वायर विद द पावर 1/2, राइट, प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू जीरो। अब ये तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 0.9 टाइम्स 90,000 प्लस एक्स स्क्वायर विद द पावर 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो वी गॉट 0.9 टाइम्स 90,000 प्लस एक्स स्क्वायर विद द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5x। ये 0.9 जाके डिवाइड कर देते हैं, सो नाउ इट विल बी 90,000 प्लस एक्स स्क्वायर विद द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.9 दैट इज इक्वल्स टू 1.66। दोबारा कंफर्म कर लूँ मैं, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.9, यस इट्स 1.67 टाइम्स एक्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों साइड पर स्क्वायरिंग अप्लाई करनी ताकि आपका रूट कैंसिल हो जाए। जब आपने स्क्वायर किया इसको, सो यू गॉट 2.78x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90,000 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वहाँ जाके माइनस हो गया, इट्स 1.78x स्क्वायर इक्वल्स टू 90,000। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 1.78 एंड ये कितना बना आपके पास, x स्क्वायर इक्वल्स टू 50561.8। और अब आपने इसका अंडर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। अंडर रूट अप्लाई किया, सो द वैल्यू ऑफ x इज 224.86 विच इज इक्वल्स टू 225। ये आपके पास x का आंसर आ गया, ठीक है। अब मैंने टाइम की भी तो वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ t। तो मेरे पास जो ये इक्वेशन है, कौन सी वाली, जो बड़ी सी इक्वेशन लिखी ना ब्लैक में, दिस वन, अब मैं इस इक्वेशन में एक्स की जगह वैल्यू प्लेस करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, टाइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 90,000 प्लस एक्स इज व्हाट 225 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.9 प्लस 400 माइनस एक्स इज व्हाट 225 डिवाइडेड बाय 1.5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 90,000, सो आंसर इज 533.3 है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 38 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट फोर टर्म्स इज 86, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट, तो कंडीशन क्या दी है, द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज इजी एज 4 इज इक्वल्स टू 38। उसके बाद क्या कहा, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट फोर टर्म्स, अब नेक्स्ट फोर टर्म्स का मतलब ये हो गया एस 8 इज इक्वल्स टू 86। ऑल राइट, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं जरा लिख दूं, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। यहाँ पर आपके पास n क्या है, अगर हम पहले केस की बात करें तो यहाँ पर n 4 है और यहाँ पर n आपका 8 है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस 4 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1, 4 माइनस 1 इट्स 3d। एस 4 आपको दिया हुआ है 38 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस 3d। सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं इसको, 38 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 4 इट्स 19। सो 19 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3d, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फॉर नेक्स्ट वन, एस 8 की बात करें तो एस 8 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 7d हो जाएगा। एस 8 कितना दिया हुआ है, 86 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 हो जाएगा 4, 2a प्लस 7d। अब
यहाँ पर आपका आएगा ट्विस्ट, ये जो एस एट है ये शुरू की ये टर्म्स का सम बता रहा है ना आपको, इसमें 86 तो है लेकिन शुरू की टर्म्स कहाँ है आपके पास 38, तो यहाँ पर आपको 38 को भी ऐड करना पड़ेगा। ये यहाँ का टर्निंग पॉइंट था, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं। 38 प्लस 86 इक्वल्स टू 124 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2a प्लस 70, सो 124 डिवाइडेड बाय 4 लीड्स टू 31 इक्वल्स टू 2a प्लस 70, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ यू गॉट टू इक्वेशंस, टू अननोन, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन है दैट इज 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19, और जो सेकंड इक्वेशन है इट्स 2a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 31। सिंपल, मैंने साइन चेंज करने, सो आई गॉट एलिमिनेटेड ए, एंड 3 माइनस 7 इट्स नेगेटिव 4d इज इक्वल्स टू 19 माइनस 31 इट्स माइनस 12, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ d दैट इज इक्वल्स टू 3। जब आपके पास d आ जाएगा, अब a निकालना बहुत सिंपल है कि आप किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लें। सो लेट्स से मैं फर्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 19 इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, 19 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3 टाइम्स 3, तो 3 आर 9, 19 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2a, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू a, एंड द वैल्यू ऑफ a इज 5, ये आपका आंसर। पार्ट बी, द थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 12 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 96, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ऑलराइट, फर्स्ट की मुझे क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म, तो मैं कह सकता हूँ कि t3 मुझे दिया हुआ है 12, एंड द सिक्स टर्म t6 मुझे दिया हुआ है नेगेटिव 96। टर्म का फॉर्मूला होता क्या है, tn इज इक्वल्स टू arn माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं अगर अप्लाई करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि t3 क्या हो जाएगा, t3 विल बी ar स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, और t6 क्या हो जाएगा, ar5 इक्वल्स टू माइनस 96। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई विल राइट इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, ar5 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 96, और इक्वेशन 1 क्या है, ar स्क्वायर इक्वल्स टू 12। ए से ए कैंसिल हो गया, आर क्या बचेगा, 5 माइनस 2, ये 2 ऊपर जाएगा, इट विल बी माइनस 2, 5 माइनस 2 इट्स 3, 96 डिवाइडेड बाय 12, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम लोग, 96 डिवाइडेड बाय 12 इट्स 8, सो यू गॉट नेगेटिव 8। अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट अप्लाई किया आपने, सो यू गॉट आर इज इक्वल्स टू माइनस 2। ऑलराइट, आर इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया। जब आपके पास आर आ गया तो आप आर से ए निकाल सकते हो by using equation number 1, so ar square equals to 12, r is what, r is minus 2 square equals to 12, a equals to 12 divided by 4 and a equals to 3, alright, अब formula apply करते हैं हम sum का, sn is equals to a r to the power n minus 1 divided by r minus 1, a is what, a is 3, r is what, r is minus 2, n is what, n is 10th, minus 1 divided by minus 2 minus 1, simplify करते हैं इसको, so that is equals to negative 1023, ये आपके पास sum of 10 numbers का answer आ गया। ख्याल रखिएगा कि मेरे पास यहाँ पर 2 की power even number है, so that will be positive। Question number 11, solve the quadratic equation giving each of your answer in the form of a plus b root 7 where a and b are constant, 7 mark का सवाल है, ठीक है। तो आपको इसको solve करना है, simply apply the working formula, वर्किंग फार्मूला क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ऑलराइट, ए बी और सी की वैल्यू असाइन कर देते हैं, ए इज व्हाट, अंडर रूट 7 माइनस 2, बी इज व्हाट, नेगेटिव 4, एंड सी इज व्हाट, अंडर रूट 7 प्लस 2। जो मैंने फार्मूला लिखा है इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं, फर्स्ट थिंग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ऑलराइट, मैं यहां पर वैल्यू प्लेस करता हूं, b क्या है मेरे पास, b इज नेगेटिव 4, जहां पर b है नेगेटिव 4 आ गया, a क्या है मेरे पास, अंडर रूट 7 माइनस 2, जहां पर a है वहां पर आ गया अंडर रूट 7 माइनस 2, और c मेरे पास क्या है, अंडर रूट 7 प्लस 2। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, यहाँ पर आपकी बनी आइडेंटिटी a माइनस बी एंड a प्लस बी। अगर आइडेंटिटी याद है अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं बता दूँ, a प्लस बी
एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास भी यही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए क्या है मेरे पास, इट्स रूट सेवन एंड बी इज वॉट टू डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अंडर रूट सेवन माइनस टू। ऑल राइट, सिंप्लीफाई करते हैं, फोर प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 ब्रैकेट, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 7 माइनस 2। सिंप्लीफाई मजीद करेंगे, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज 12, तो 4 3 7 माइनस 4 इज 3, 3 4 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 7 माइनस 2, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 7 माइनस 2, 4 प्लस माइनस रूट 4 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 7 माइनस 2। ऑलराइट, अब मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो इसके बाद की वर्किंग मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 7 माइनस 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक प्लस के साथ होगा और एक माइनस के साथ होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लस वन, टू प्लस वन इट्स 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस 2। अब हम करेंगे रेशनलाइजिंग, मतलब रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और रूट 7 प्लस 2 से डिवाइड, यही काम यहाँ होगा, रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस 2। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आपके पास आएगा 3 टाइम्स अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपकी दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, सो यू गॉट योर फर्स्ट आंसर, इट्स 2 प्लस अंडर रूट 7, ये पहला आंसर आ गया। नेगेटिव पर आते हैं, अब ये आपके पास आया अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी डिनोमिनेटर आपका वही बचेगा 3। ऑलराइट, तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँ, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मेरे दोनों आंसर्स इस फॉर्म में आ चुके हैं कि न्यूमरेटर में रूट 7 आ रहा है और ए प्लस बी की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये आपके पास दो आंसर्स हैं, एक ये आंसर आया फाइनल और एक आपके पास ये आंसर आया।